द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सोशल मीडिया पर एक वायरल यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं अनिल यादव और एक गोदी रिपोर्टर हैं एबीपी न्यूज के अभिषेक उपाध्याय। दोनों के बीच अदावत खूब चलती है। इस बार सीएम हाउस के सामने अनिल यादव ने अभिषेक उपाध्याय की गजब बेइज्जती कर डाली। जो अभिषेक उपाध्याय नाले की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, नालेश्वर सोशल मीडिया में उनका नाम रख दिया गया है, ऐसे में अनिल यादव पर उन्होंने एक पर्सनल अटैक किया था। अब इसके बाद अनिल यादव की बारी थी। अनिल यादव भी रोस्ट अच्छा कर लेते हैं, तो एबीपी न्यूज के इस गोदी रिपोर्टर की सरेआम बेइज्जती कर डाली। एक तरफ वो जो गोदी रिपोर्टर अभिषेक हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका कैमरामैन उन्हें कवर कर रहा था कि भाई आप चलिए शुरू कीजिए, और उनके ठीक बगल में खड़े होकर अनिल यादव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि ये हमारे सामने देखिए नाले के नालोन हैं, इनकी शक्ल देखिए, ना जाने क्या क्या बोले हैं, वो वीडियो आप सुन लीजिए। फिर उसके बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर बहस का दौर, किसने क्या कहा, अभिषेक उपाध्याय खुद क्या कह रहे हैं और अनिल यादव ने क्या कहा, बाकी लोग क्या टिप्पणी कर रहे हैं। इस मजेदार ट्विस्ट को आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं और पैरेलल में जो टीवी पत्रकार हैं, दोनों के बीच का फर्क वो भी आप समझेंगे। पहले जरा अनिल यादव को यहाँ देख लीजिए। इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग पे खड़े हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी निवास स्थान है। तो यहाँ पर तमाम जो मीडिया है वो मंडी अपनी लगाए हुए है। नाले का नोलन वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फर्जी रिपोर्टिंग करते हुए। हालांकि यहाँ पर अभी नाले जैसा कोई सीन तो नहीं है, सूखा पड़ा है तो इसको गोता लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। बाकी ये इसकी शक्ल देख लो, इसको गंदे जैसा मुंह बना रहा है ये सबसे फर्जी और अफवाहबाज रिपोर्टर है। तो देख लिया आपने अनिल यादव का यह अंदाज, वैसे भी काफी चर्चा में रहता है, काफी वायरल यूट्यूबर है, जब भी पत्रकारिता करते हैं तो एकदम बेखौफ होकर करते हैं। मंत्री हो, नेता हो, संतरी हो, जिसके पीछे पड़ गए उसकी लंका तो जरूर लगा देते हैं। इतने तीखे सवाल होते हैं और बेहिचक पूछते हैं, किसी से घबराते नहीं है, सादगी के लिए भी जाने जाते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। साधारण से पत्रकार कहते हैं कि बेल्ट फटा हुआ पहनकर भी पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये इनकी सादगी का प्रमाण भी है, लेकिन दूसरी तरफ जब इन्हें कोई छेड़ता है तो ये किसी को छोड़ते नहीं है। अभिषेक उपाध्याय ने क्या किया था जिसके चलते अनिल यादव इतने गुस्से में थे, उन्होंने इनकी ट्रोलिंग कर डाली, रोस्ट कर डाला, वो हम आपको बताते हैं। वैसे तो अभिषेक उपाध्याय आपको याद ही होंगे, यह तस्वीर देखिए ना, ये जो देख रहे हैं नाले में घुसकर पानी में इतना तक उतरकर जो रिपोर्टिंग बंदा कर रहा है, इसे देखकर हर कोई चौंक गया था कि भाई एबीपी न्यूज क्या शानदार काम कर रहा है, और इनके रिपोर्टर को तो देखिए एकदम जी जान लगा बैठे। लेकिन उसी वीडियो की पोल खुल गई थी कि नाले में कूद पड़े थे, बगल में सड़क सूखी थी, वहां पर गाड़ियां भी चल रही थी, इसके बावजूद ये रिपोर्टिंग में ट्विस्ट लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए ये नाले में उतर आए, जिसके बाद इनका जमकर मजाक बना था। दिलीप मंडल ने कहा था कि भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है, रिपोर्टिंग तुम सड़क किनारे से भी कर लेते, नाला दिखा देते, पानी दिखा देते तो भी तुम्हारा काम हो जाता, इसमें उतर कर क्या दिखा रहे, उसमें वैसे भी कोई लोग नहीं जा रहा है, सड़कें तो चल ही रही भाई, सूखी है, लोग तो जा ही रहे उस पर। तो ये है अभिषेक उपाध्याय, और इस वजह से ये कभी काफी हंसी के पात्र बन गए थे। और फिर अब जो आगे हुआ है वो हम आपको बताते हैं। अनिल ने ट्वीट किया अभिषेक उपाध्याय के कमेंट को शेयर करते हुए, जिसमें संदीप कुमार सिंह का भी ट्वीट है, वो सीरीज में हम तीनों को समझते हैं। जब वीडियो वायरल हुआ अनिल का, उन्होंने अभिषेक उपाध्याय को उनके मुंह पर खड़े होकर सीएम हाउस के सामने बेइज्जती जब कर डाली, तो संदीप कुमार सिंह ने अभिषेक उपाध्याय को एक जवाब दिया कि ये उपाध्याय अभी जो है आपसे मुखातिब है, कुछ जवाब दीजिए इन अर्दलियों को, या वो भी हमें ही करना होगा। संदीप दरअसल कमेंट कर रहे हैं अनिल यादव को, अनिल यादव जी देखिए अभिषेक उपाध्याय ने आपको कुछ ट्वीट किया है। अभिषेक ने क्या लिखा कि ये एक बार फिर से नौकरी की तलाश में है, पिछली बार मुझसे टकराकर नौकरी पा गया था, मुझे वाकई अच्छा लगा था, अब आसाराम वाले अंजुम ने भगा दिया, फिर से खाली है बेचारा, ये ट्वीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इसे फिर से नौकरी मिले, बाकी मेरा मनोरंजन तो इसकी शक्ल देखकर ही हो जाता है।
और उसके बाद संदीप कुमार सिंह ने ही जो जवाब में लिखा था अनिल यादव को टैग करते हुए, देखिए फिर से आपकी तरफ ये बढ़ चला है, कुछ कह दीजिए या हम कह दें। तो अनिल जी इस दोनों ट्वीट को शेयर करते हुए लिखते हैं, नाले के नोलन ने आज पर्सनल अटैक किया था इसलिए इसको रेला है, जिससे इसे याद रहे कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, याद रखना नाले के नोलन। ये अनिल ने ट्वीट किया। अब यहां से विवाद जो है बढ़ता चला गया। फिर आया और एक लंबे चौड़े पोस्ट की बारी, वहां भी अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किया है और सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें भी, अभिषेक को भी कई लोगों ने ट्रोल किया। अब देखिए अभिषेक उपाध्याय के हम उस ट्वीट को दिखाते हैं। अभिषेक उपाध्याय ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें कई लोगों को टैग भी कर दिया। अभिषेक ने लिखा, यह लखनऊ में अनिल यादव नाम का एक बेरोजगार है, पिछली बार मुझसे टकराकर ये नौकरी पा गया, काफी संख्या में इसके फॉलोवर बढ़ गए, मुझे अच्छा लगा था, मगर कमबख्त आसाराम वाले अंजुम ने इसे फिर नौकरी से निकाल दिया, अब ये फिर मुझसे टकराकर नौकरी और फॉलोवर पाना चाहता है, लगातार पीछे पड़ा है, मैं ये ट्वीट इस बेरोजगार की मदद करने के लिए कर रहा हूं, कृपया इसकी मदद करें, अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे वाकई बहुत दुख होगा, इसकी शक्ल देखकर ही मुझे हंसी आ जाती है, राफेल गांधी से लेकर इस नमूने अनिल यादव तक मैं ऐसे मुफ्त के एंटरटेनमेंट को हमेशा पाल कर रखता हूं, ये कमाल के चिलगोजे हैं, मैं इन्हें जितना पढ़ता हूं हंसता हूं, इसलिए इसे टैग भी कर रहा हूं, अब ये कम से कम एक हफ्ता मेरा नाम लेकर उछलेगा और उम्मीद है कि इसी दौरान इसे कोई नौकरी मिल जाएगी, और भी कोई इस तरह का बेरोजगार नमूना हो तो वो संपर्क कर सकता है, मुझसे जो मदद मिल सकेगी करूंगा। तो इसके बाद राफेल गांधी ने इन्हें जवाब दिया, अभिषेक भाई आप बिना बात मुझे इस मामले में घसीट रहे हो, मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि कोई काम करते हुए आपको डिस्टर्ब करे, अगर आप टुन्न होकर भी नाले में पड़े होंगे तो मैं यही समझूंगा कि बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे हो। इन्होंने भी चुटकी ले ली। और उसके बाद शिवराज यादव ने कमेंट किया, अनिल यादव ने वही किया जो तुम्हारे लिए करना चाहिए, क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहो, और रही बात बेरोजगार और रही बात रोजगार, तो अनिल यादव जब चाहे तब नौकरी कर ले, लेकिन सत्ता की चापलूसी करना उनके वश में नहीं है। इस तरीके से शिवराज यादव भी कूद पड़े उन्हें मजाक में जवाब देने के लिए। राफेल गांधी को टैग किया गया तो राफेल भाई ने भी जो है जवाब दे दिया, और अभिषेक उपाध्याय के क्या कहने, और इन्होंने तो जिस तरीके से जवाब देना शुरू किया अनिल यादव के पोस्ट पर, इससे इनकी बौखलाहट भी दिखाई पड़ने लगी। अब कई लोगों ने तंज कसा, तो देवेश यादव हैं, इन्होंने भी लिखा, अरे नालेश्वर भाई तू खुद अपनी नौकरी नाले में कूद कर बचा रहा है, तेरी खुद कोई रीच नहीं है, कभी अपनी पोस्ट पर आए कमेंट पढ़ लिया कर तो पता चल जाएगा, लोग मौके की तलाश में हैं, कमेंट जवाब तलब सब कुछ चल रहा है, और ऐसे में हर कोई अभिषेक उपाध्याय को ट्रोल भी कर रहा है। इस वक्त एक और हम आपको ट्वीट दिखा देते हैं, माई हीरो राहुल गांधी ने तस्वीर साझा की, वही नाले में रिपोर्टिंग वाले, इसकी बात चल रही है क्या। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि कैसे अभिषेक उपाध्याय की घोर बेइज्जती हो गई, और वो ट्वीट करते रह गए लेकिन ट्रोलर्स अभिषेक उपाध्याय को ही गलत बताते रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।